हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। आज हम लोग सेट एंड रिलेशन के एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू एंड आर। तो हमें बताना है कि इन रिलेशन, जो ये तीन रिलेशन गिवन है, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव ही चेक कर लेते हैं क्योंकि वो चेक करना आसान होता है। तो देखो, पी कॉमा पी तो है, क्यू कॉमा क्यू तो है, आर कॉमा आर है इसमें, और पी कॉमा क्यू है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है ये वाला, बट पी कॉमा क्यू है और क्यू कॉमा पी प्रेजेंट नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्वेलेंस भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, आर कॉमा आर है, क्यू कॉमा क्यू है, बट पी कॉमा पी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है इक्विवेलेंस। अब ये वाला देखो, इसमें पी कॉमा पी है बट इसमें क्यू कॉमा क्यू नहीं है, आर कॉमा आर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्विवेलेंस नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया हो।